कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करने पर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार को भगवान बनाने में तुली हुई है, जबकि ये परिवार भगवान को मानता ही नहीं है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करते हुए उम्मीद जताई है कि भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव नजर आएगा। वहीं शिवराज सरकार में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को फोटो वायरल करने का बहुत शौक है, लेकिन वह कभी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी से राखी बंधवाते हुए फोटो वायरल नहीं करते हैं। जो राम को गाली देते हैं, कांग्रेस उन्हें ही राम बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि साईं बाबा को हर व्यक्ति हर धर्म के लोग मानते हैं, उन्हें कोई गरूर नहीं था और राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी सीधे सीधे आदमी हैं और 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें कंपेयर कर दिया होगा। विश्वास सारंग की बातों पर ना हम ध्यान देते हैं और ना ही लोग। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की तुलना शिरडी वाले साईं बाबा से कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को महाराष्ट्र के शिरडी में उम्मीद जताई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव नजर आएगा। उनके मुताबिक इसकी वजह ये है कि इससे हजारों लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस नेता को भविष्य की उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। वाड्रा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से कर दी, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।